हेलो दोस्तों, मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर पे आपका स्वागत है। आज मैं जिस हॉरर मूवी हो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मिमिक। ये मूवी 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैनहट्टन में कॉकरोच घातक बीमारी फैला रहे हैं और बड़ी संख्या में बच्चे मर रहे हैं। महामारी को रोकने के लिए न्यूयॉर्क में CDC के प्रमुख डॉक्टर पीटर मैन एंटोमोलॉजिस्ट सुसान टाइलर से सहायता के लिए कहते हैं। सुसान जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके एक इंसेक्ट हाइब्रिड बनाती है जिसे कहा जाता है जूडस बग। जूडस एक दीमक और एक मंटिस के बीच एक हाइब्रिड है और एक एंजाइम रिलीज करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कॉकरोच के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे कॉकरोच भूखे मर जाते हैं। सुसान ने जूडस को कम उम्र के लिए डिजाइन किया है, यह शोर करते हुए कि वे सभी एक साथ मर जाएं कुछ महीने में ताकि वे इकोसिस्टम को डिसरप्ट न करें। पीटर और सुसान जूडस कीड़े को रिलीज कर देते हैं और कॉकरोच मर जाते हैं। थोड़े समय के बाद बीमारी मिट जाती है, बच्चे बच जाते हैं और उसके बाद पीटर और सुसान की भी शादी हो जाती है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां एक प्रीस्ट को एक अदृश्य हमलावर से भागते हुए देखते हैं। वह एक छत पर आ जाता है लेकिन जो कुछ भी उसका पीछा कर रहा है वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। प्रीस्ट चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और मर जाता है। बगल की बिल्डिंग में एक छोटा लड़का चुए प्रीस्ट को घसीटते हुए देखता है लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। पीटर और सुसान एक इंसेक्ट एग्जिबिट की तैयारी कर रहे हैं और पीटर एक परिवार शुरू करने के लिए अपना एक्साइटमेंट दिखाता है। पीटर फिर एक इन्वेस्टिगेशन सीन पर आता है जहां पुलिस को इलीगल इमिग्रेंट्स मिले हैं और उन्हें एक बिल्डिंग में पकड़ रहे हैं। पीटर के कलीग जोश पीटर को बताते हैं कि इमिग्रेंट्स को येलो फीवर है। बिल्डिंग को भी एक अवैध गतिविधियों के लिए यूज किया जाता है जो प्रीस्ट द्वारा चलाया जाता था जिसकी पहले मौत हो गई थी। पीटर फिर बिल्डिंग में रहने वाले लोग को क्वारंटीन करने को बोलता है। उन्हें छत पर फेकल पदार्थ भी मिलते हैं और एक औरत एक डार्क एंजेल के आने के बारे में बताती है जो उसे मारने के लिए आया था। सुसान एक दोस्त के साथ उसकी लैब में आती है और वे दो लड़कों से मिलते हैं जो उसे कीड़े बेचते हैं। बच्चों में से एक उससे पूछता है कि उसे कीड़े क्यों पसंद है। सुसान उसे बताती है कि वह उनकी सरलता और इंटेलिजेंस के लिए कीड़ों की तारीफ करती है। कीड़े डायनासोर से पहले भी रहे हैं और आज भी जीवित हैं, जिससे वे प्लेनेट के एक सफल इनहेबिटेंट बन गए हैं। सुसान एक इंसेक्ट कॉलोनी के प्रत्येक सदस्य के महत्व की समझाती है। सुसान ने बताया कि ड्रोन बग सुरक्षा बनाए रखता है और भोजन इकट्ठा करता है। वे कॉलोनी के एक अनिवार्य हिस्से की भी रक्षा करते हैं जो है घोंसला। अगर घोंसले पर हमला किया गया तो वो नष्ट हो सकते हैं, तो इसका मतलब पूरी कॉलोनी की मौत हो सकती है। सभी कॉलोनी के एक पुरुष सदस्य एक को छोड़कर बाज होते हैं और यह एकमात्र पुरुष है जो रानी के साथ संभोग कर सकता है। यदि वह मर जाती है तो बर्थ प्रोसेस रुक सकती है और पूरी कॉलोनी मर सकता है। अधिक पैसों की लालच में बच्चे सुसान को मेट्रो में मिले एक अजीब बग दिखाते हैं और थोड़े मोल भाव के बाद सुसान वो अजीब इंसेक्ट खरीद लेती है। सुसान ने बाद में नोटिस किया कि अजीब बग का कंटेनर हिल रहा है। वह इसे ध्यान से खोलने की कोशिश करती है लेकिन यह इंसेक्ट उसे काट लेती है। वह तुरंत चिंतित हो जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि उन्हें उन बच्चों को ढूंढना होगा जिन्होंने इस कीड़े को उसे बेचा था। वह अपने इक्विपमेंट लेती है और कंटेनर को खोल देती है। यह पता चलता है कि अजीब बग 3 साल पहले का जूडास बग है। वह इसे चेक करने की कोशिश करती है लेकिन यह उसे काटता है। वह फिर उसे एक पिन से मारती है, उसे मार देती है। अजीब बग से एक सफेद ऊज निकलता देख उसे यकीन होता है कि यह एक जूडस बग ही है। वह अपने पुराने रिसर्च नोटों की रिव्यू करती है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाती है। जैसे ही वह फाइल देखती है वह अपनी खिड़की के पास कुछ आता है जो वो नहीं देखती। वो क्रिएचर एंटर करता है और जूडस बग के पास जाता है। सूजन एक एंजाइम टेस्ट लेती है और परिणाम 3 साल पहले से जूडस बग के एंजाइम टेस्ट के सिमिलर होता है। डार्क फिगर एक आवाज करता है और सूजन चेक करने के लिए जाती है। वह देखती है कि जूडस बग को वो ले गया है और उसके लैब के इक्विपमेंट्स फर्श पर गिर गए हैं। वह अंधेरे में चलती एक छाया को देखती है लेकिन यह नहीं समझ पाती कि यह क्या है। अचानक वो क्रिएचर उड़ जाता है। उस रात चुए ने एक अजीब आकृति को गली में उस बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए देखा जहां इलीगल इमिग्रेंट्स की खोज की गई थी। उसका केयरटेकर मैनी देखता है कि चुए क्या देख रहा है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता है। सुसान ने पीटर को बताया कि नमूना जूडास बग ही है। पीटर शॉक्ड है यह जानकर कि जूडास बग्स को केवल एक पीढ़ी जीने के लिए इंजीनियर किया गया था।
अगले दिन पीटर और सूजन एक मेट्रो स्टेशन पर बच्चों से मिलते हैं और एक पुराने मेंटेनेंस रूम में पहुंचते हैं। मैनी चूहे के साथ भी उसी स्टेशन पर है। सूजन बच्चों से पूछती है कि क्या उन्होंने कीड़े के लिए किसी तरह के अंडे की बोरी देखी है, लेकिन बच्चों का कहना है कि उन्होंने नहीं देखा। सुसान और पीटर पुराने कमरे में एंटर करते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। वहां सूजन के बीड्स गिर जाते हैं और वे नीचे गिर जाते हैं एक मेटल कैबिनेट के पीछे एक छिपे हुए छेद में। पीटर की टॉर्च जलाता है और वे अंदर पहुंचने की कोशिश करता है। सुसान ने अपना हाथ अंदर लिया, लेकिन दूसरी तरफ से उस क्रिएचर को उसकी बांह की देखते हुए नहीं देखा। काटने से ठीक पहले एक पुलिसमैन जिसका नाम लियोनार्ड है वहां आता है। सुसान अपना हाथ बाहर निकालती है। लियोनार्ड उन्हें बाहर करना चाहता है और उन्हें बताता है कि वे बिना परमिट के यहां ये सब नहीं कर सकते। पीटर गुस्सा हो जाता है, लेकिन कहता है कि वे दूसरी बार वापस आएंगे। इस बीच सुसान चूहे और मैनी से मिलती है। उसे पता चलता है कि चूहे एक इंटेलिजेंट लड़का है जो जूते के आकार और किसी भी जूते के ब्रांड को सिर्फ फुटस्टेप्स सुनकर बता सकता है। दोनों बच्चे बाद में अंडे की बोरी की तलाश में ट्रेन यार्ड के एक अलग हिस्से में जाते हैं। वे पाते हैं एक घिनौना बोरा जो अंडे की बोरी की तरह लग रहा था। लड़के इसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक क्रिएचर उनके पीछे आ जाता है और दोनों को मार डालता है। अगले दिन सूजन अपने कॉलीग और मेंटर डॉक्टर गेट्स से मिलती है और उसे उसके बारे में बताती है कि उसने क्या खोजा है। गेट्स का मानना है कि कुछ जूडस कीड़े बच गए होंगे। सुसान कहती है कि जूडस कीड़े सभी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मर गए। गेट्स ने सिर हिलाया, लेकिन बाहरी दुनिया एक अलग जगह है। वह अनुमान लगाता है कि उनमें से कुछ को एक रास्ता मिल सकता है, यहाँ तक कि कीड़े का एक छोटा सा हिस्सा भी बच सकता है और एक पूरी कॉलोनी में विकसित हो सकता है। मैनी के अपार्टमेंट में वापस चूहे क्वारंटाइन बिल्डिंग में जाग रहा है। वह अजीब आवाजें सुनता है अंदर से और चेक करने के लिए चला जाता है। उसे एक चैपल मिलता है जिसमें सब कुछ ढका हुआ है और आवाज तेज हो जाती है। फिर वह एक क्रिएचर को पास आता है जो एक ओवरकोट में एक इंसान की तरह दिखता है। एक और क्रिएचर उसके पीछे आता है। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वर्कर्स फिल्टरिंग टैंक से किसी प्रकार के जीव को पकड़ते हैं और शुरू में इसे एक बच्चा समझते हैं। करीब से चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें कीड़ों के एक्सपर्ट की मदद पड़ेगी। अगले दिन सूजन को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के लिए फोन आता है। वह जल्दी ही अपने दोस्त के साथ आती है और वे एक नमूने की जांच करते हैं। एक वर्कर नमूने फ्रीजर से बाहर ले जाता है और सुसान और उसके दोस्त को दिखाता है। वर्कर उन्हें बताता है कि उन्हें फिल्टरिंग टैंक में सभी प्रकार की चीजें मिलती हैं, लेकिन यह अलग दिखता है। और सुसान देखती है कि यह जूडस बग है, लेकिन लगभग कुत्ते जितना बड़ा है। उसका दोस्त एक फोटो लेता है और सुसान एक्सपेरिमेंट के लिए नमूने को डॉक्टर गेट्स के पास पहुंचाने के लिए कहती है। इस बीच मैनी को पता चलता है कि चूहा गायब है। वह चूहे की खिड़की खुली देखता है और सोचता है कि वह उनके बगल की बिल्डिंग में गया होगा। पीटर, जॉश और लियोनार्ड वापस आते हैं ट्रेन स्टेशन पर और दीवार में एक खाली छेद देखते हैं। वे लैब इक्विपमेंट ले जाते हैं एक नमूना लेने की उम्मीद में या शायद जुडासनिस्ट की खोज में। लियोनार्ड उन्हें बताता है कि सेक्शन निचले स्तर तक जाते हैं और कुछ सेक्शन की मेंटेनेंस तो होती ही नहीं है। वे अंडरग्राउंड में जाते हैं। इस बीच मैनी पुलिस को फोन करता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को वेटलिस्ट में रखा जाता है। वह फिर बिल्डिंग में एक रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय सीवर में एक एंट्रेंस पाता है। मैनी एक लाइटर के अलावा कुछ नहीं लेकर जाता। पीटर को सूजन का फोन आता है। वे फिर ट्रेन स्टेशन पर मिलने के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि सुसान को पीटर को यह बताने की जरूरत है कि उसने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या पाया। गेट्स ने प्लांट में पाए गए क्रिएचर की जांच की। गेट्स को पता चलता है कि नमूना केवल एक बार ही म्यूटेट नहीं हुआ है, बल्कि असली में एक कॉम्प्लेक्स कॉलोनी का सदस्य है। सुसान फिर ट्रेन स्टेशन पर आती है, लेकिन एंट्रेंस पर पीटर का वेट करती है। लियोनार्ड, जॉश और पीटर गहराई में जाते हैं और दीवारों पर मल के साथ और छत से लटकते हुए एक कमरा ढूंढते हैं। सुसान फिर तस्वीरों को चेक करती है जो उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्रिएचर का लिया, और दो फोटो को ध्यान से देखती है। वह दो पार्ट्स लेती है और उन्हें एक दूसरे के बगल में रखती है। बग के उपांग इंसानी खोपड़ी की तरह दिखते हैं। उसे जल्द ही एहसास होता है वह स्टेशन पर अकेली है। वह अंडरग्राउंड के एंट्रेंस तक चलने की कोशिश करती है, लेकिन प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े एक इंसान की छाया देखती है। वह पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वह फिर दूर जाने का फैसला करती है।
लेकिन वो मिस्ट्रियस आकृति खुद ही उसके सामने आ जाता है जो असली एक विशाल जूडस बग है। सुसान इसे देखते ही दौड़ना शुरू करती है, लेकिन जूडस बग उसे ले जाता है और सुरंग के अंदर उड़ जाता है। पीटर और जॉश दीवारों से नमूने इकट्ठा करते हैं, जबकि लियोनार्ड एक पुराने लकड़ी के प्लेटफार्म पर खड़े होता है पुराना मेट्रो के अवशेषों को देखते हुए। एक छोटा जूडस बग उसके पास आता है और उसे वो मसल देता है। पीटर इसे देखता है और इसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दोनों आदमी अब प्लेटफार्म पर खड़े हैं, पर वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और जॉश अकेले ऊपर बचा हुआ है। लियोनार्ड जॉश को वापस जाने और मदद लेने के लिए कहता है। जॉश हिचकिचाता है, कहता है कि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लियोनार्ड या पीटर के वापस ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। सूजन खुद को सीवर के गहराई में पाती है। वह कई डेड बॉडी देखती है जिसमें प्रीस्ट का शरीर भी शामिल है, और अपना बचाव करने के लिए एक मेटल पाइप पकड़ लेती है। वह चारों ओर देखती है, एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन सभी दिशाओं में और भी सुरंगें देखती है। वह लाइट देखती है और उसके पास जाती है। ऊपर देखने पर वह देखती है कि लोग जमीन के ऊपर चल रहे हैं। वह मदद के लिए चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों का ध्यान खींचने करने के बजाय उस पर एक जूडस बग का ध्यान आ जाता है। एक बड़ा जूडस बग उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वह उसे पाइप से मारती है और दौड़ती है। एक और बग उसका पीछा करते हुए आता है, लेकिन वह एक मेंटेनेंस होल से भाग जाती है। जॉश अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है और एक मेटल का दरवाजा देखता है। वह इसे खोलता है जहाँ कई जूडस बग के अंडे होते हैं। वह जूडस बग में से एक को अंदर देखता है, लेकिन चुपके से भाग जाता है। वह धीरे धीरे और चुपचाप इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और ऊपर एक ओपनिंग को देखता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेटफार्म लेकिन गिर जाता है जोर से आवाज करते हुए। यह जूडस बग को जगाता है। जॉश वापस ऊपर आता है एक रस्सी के लिए, लेकिन जूडस बग उसे पकड़ लेता है। जॉश रस्सी के लिए ऊपर आता है, लेकिन नीचे से उसके ऊपर खून का छींटे पड़ते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। जॉश फिर नीचे गिर जाता है। सुसान अपने ऊपर मेटल मेंटेनेंस होलक्वर को देखती है और हलचल सुनती है, और वो मन्नी को देखकर हैरान होती हैं। पीटर और लियोनार्ड इस विश्वास में हैं कि जॉश जल्द ही मदद के साथ वापस आएगा। लियोनार्ड एक पुरानी ट्रेन कार देखता है, पीटर को इसके बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन पीटर को प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे जल्द ही कदम की आवाज़ सुनते हैं। मैनी वहाँ आता है और सूजन के बारे में बताता है। वे सुसान को वापस उठने में मदद करते हैं, लेकिन एक जूडस बग आवाज़ सुनकर उनके तरफ आने लगता है। वे सूजन के लिए नीचे पहुँचते हैं और लाइट को गिरा देते हैं। जैसे ही लाइट गिरता है, वे सुसान को पकड़ने लिए एक जूडस बग को उड़ते हुए देखते हैं। वे सूजन को ऊपर खींचते हैं, ढक्कन बंद करते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। वे वापस ट्रेन की कार में कवर खोजने की कोशिश करते हैं। लियोनार्ड जूडस बग पर कई बार फायर करता है, लेकिन यह आगे बढ़ता रहता है। बग दरवाजे पर फंस जाता है और लियोनार्ड फायरिंग करता रहता है। बग खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को अलग कर लेता है। वो नीचे रेंगता है और पीटर और लियोनार्ड उस बग को मारने की कोशिश करते हैं। वे जूडस बग को बाहर खींचते हैं, पर बग फिर से जिंदा हो जाता है और लियोनार्ड के पैर को काट डालता है। लियोनार्ड बग पर बहुत गोलियां चलाता है और लास्ट में उसे मार ही देता है। वे सभी खुद को ट्रेन की कार के अंदर बंद कर लेते हैं और पीटर लियोनार्ड के घावों को देखता है। मैनी सूजन को मरे हुए बग की जांच करने में मदद करता है और वह देखती है कि बग के ऑर्गन डेवलप हुए हैं, खासकर फेफड़े। सुसान ने अनुमान लगाया कि जब उसने जूडस के मेटाबॉलिज्म को तेज किया तो उसने अनजाने में उनके ब्रीडिंग साइकिल को भी तेज कर दिया। 3 वर्षों में जूडस बग कई लाख पीढ़ियों में खुद को बढ़ा सकता था, जिससे उनका विकास तेज हो गया। पीटर विश्वास नहीं कर पा रहा, लेकिन सूजन का कहना है कि एप्स सिर्फ 40,000 पीढ़ियों के बाद इंसानों में बदल गए, तो वहीं जूडस बग कई 100,000 के दौर से गुजर रहा है। कोई नहीं बता सकता है कि वे किस तरह और किस चीज में इवोल्व हुए हैं। सूजन बताती है कि जंगली जानवर कभी कभी अपने शिकारी की नकल करने के लिए खुद को डेवलप करते हैं। इसका यही कारण यह हो सकता है कि जूडस कीड़े इतने लंबे समय तक छिपे रहे। सूजन का अनुमान है कि जूडस इंसानों की नकल करने के लिए विकसित हो सकते थे। जूडस बग्स का एक झुंड फिर ट्रेन कार पे हमला करता है। सुसान देखती है कि लियोनार्ड के घाव से खून उन्हें आकर्षित कर रहा है। वह फिर मरे हुए बग की सेंट ग्लैंड को लेती है और उन्हें पूरे केबिन में रगड़ देती है बग को भगाने के लिए।
यह लियोनार्ड के खून की गंध को छिपा सकता है। पीटर एक सेंट ग्लैंड लेता है और इसे लियोनार्ड के घावों पर रगड़ता है। जूडस कीड़े रुक जाते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लियोनार्ड ट्रेन स्टेशन का एक पुराना नक्शा ढूंढता है और देखता है कि इससे वो बच सकते हैं। उन्हें रेलगाड़ी को चलाने और सामने स्टेशन तक ले जाने के लिए पटरियों को बदलने और फ्यूज बॉक्स को फिर से खोलने की जरूरत होगी। पीटर फिर फैसला करता है कि यह उसे और मैनी को बाहर जाना चाहिए। मैनी और पीटर सेंट ग्लैंड को अपने आप में रगड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। मैनी ट्रैक स्विच के पास जाता है जबकि पीटर फ्यूज बॉक्स तक जाता है। पीटर के सामने एक जूडस बग आता है। वह स्थिर रहने की कोशिश करता है और बग उसके ऊपर से चला जाता है। सूजन ने अनुमान लगाया है कि जो जूडस बग उन पर हमला कर रहे हैं वो मादा होनी चाहिए क्योंकि नर छोटे होते हैं, उनका रंग हल्का होता है और वे उड़ नहीं सकते। यदि वे फर्टाइल नर को ढूंढते और मारते हैं तो उनका कॉलोनी खत्म हो सकता है। मैनी ट्रैक स्विच की खोज करता है लेकिन इसके बजाय चूहे को ढूंढता है। मैनी चूहे को अपने साथ लाने की कोशिश करता है लेकिन एक जूडस बग उसके पीछे आता है और छाती में स्टेप कर देता है। चूहे चिल्लाती है और मैनी को मरते हुए देखता है। पीटर फ्यूज बॉक्स ठीक करता है और लाइट चालू करता है। लियोनार्ड ट्रेन की पावर को चालू करता है। सुसान को चूहे मिल जाता है और वह चूहे को अपने साथ ले जाती है। पीटर को एक छोटा डंबवाटर भी मिलता है जो सतह पर जाने का रास्ता भी हो सकता है। लियोनार्ड ट्रेन को आगे बढ़ाता है लेकिन वो एक समस्या में पड़ जाता है और धूम्रपान करना शुरू कर देता है। पीटर सुसान और चूहे से मिलता है और वे खुद को जूडस कीड़ों से छिपाने की कोशिश करते हैं। लियोनार्ड ने जूडस बग को झुंड में देखा और ट्रेन से बाहर निकलने का फैसला किया। वह गाकर और खुद का खून बहाकर जूडस का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। जूडस तब लियोनार्ड के तरफ बढ़ते हैं। मौका देखकर पीटर, चूहे और सूजन निकलते हैं डंबवाटर के लिए। सुसान और चूहे अंदर आते हैं लेकिन जब और कीड़े दिखाई देते हैं तो पीटर अलग हो जाता है। वह उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन कीड़े हमला करते हैं। पीटर एक छोटी सुरंग से होते हुए खुद को घोंसले में पाता है और उसके पास एक मौका है इन क्रिएचर को नष्ट करने का। एक बग देखता है कि सुसान और चूहे को डंबवेटर के अंदर और वो समझ जाता है कि यह कैसे काम करता है। यह डंबवाटर को पकड़े हुए केबल को काटने की कोशिश करता है लेकिन सुसान और चूहे समय पर बाहर निकलते हैं। डंबवाटर गिर जाता है और बग नीचे फंस जाता है। पीटर ने गैस पाइप को पूरे घोंसले के आसपास देखता है और एक कुल्हाड़ी लेता है। पाइप को तोड़ता है, गैस बाहर निकलने लगती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है। एक बग उसके पीछे आता है लेकिन पीटर एक लाइटर लेता है और गैस को इग्नाइट करने की कोशिश करता है पर लाइटर खराब हो जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है। पीटर कुल्हाड़ी लेता है, उसे स्टील पे मारते हुए एक चिंगारी पैदा करता है जिससे वह आशा करता है कि वह गैस को इग्नाइट करेगी। जैसे ही जूडस कीड़े वहां पहुंचते हैं पीटर एक चिंगारी बनाता है और इससे पूरा सीवर सिस्टम फट जाता है जिसका असर ऊपर सतह पर यानी रास्ते पर भी देखा जा सकता है। सूजन होश में आती है और चूहे को देखती है लेकिन फर्टाइल मेल जूडस बग सामने आता है। सुसान बग का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को घायल कर लेती है और आने वाली ट्रेन की ओर दौड़ती है। जूडस बग उसके पीछे दौड़ता है और समय पर वो हट जाती है और जूडस बग मार जाता है और सुसान चूल को ढूंढती है। फायर फाइटर्स, पुलिस और मेडिक्स सब एक साथ आकर सब कुछ नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। गेट्स सूजन को बताता है कि सभी बग को मार दिया गया है। सबवे एग्जिट से पीटर वापस आता है। सुसान और चूल उसके पास दौड़ते हैं और तीनों गले मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लिखे करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही हॉरर एक्सप्लेनेशंस के लिए।